हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्शंस ऑफ पॉइजन। तो इस टॉपिक में हम पॉइजन के एक्शंस को पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एक्शन ऑफ पॉइजन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी। तो जो हमारे पास पॉइजन के एक्शंस है वो फोर टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन, मतलब किस साइट पे वो बॉडी में एक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास फोर टाइप्स के हैं एक्शन पॉइजन के। दीज कैन बी न्यूमरेटेड एज अंडर, नीचे ये दिए गए हैं। जैसे हमारे पास नंबर 1 पे है लोकल एक्शन, नंबर 2 पे है रिमोट एक्शन, नंबर 3 पे है कंबाइंड एक्शन, नंबर 4 पे है जनरल एक्शन। तो ये हमारे पास चार एक्शन हैं पॉइजन के, तो इनको पढ़ते हैं लोकल एक्शन। अब लोकली पॉइजन किस तरह काम करता है, किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करता है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्शन ऑफ पॉइजन इज लिमिटेड टू द पार्ट ऑफ बॉडी दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट। तो लोकल एक्शन में पॉइजन क्या करता है कि मतलब जो बॉडी का पार्ट पॉइजन के कॉन्टेक्ट में आता है वहीं पे वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। दस कोरोसिव्स एंड इरिटेंट्स कॉज इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसा कि हमारे पास कोरोसिव्स होते हैं, इरिटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं जिस बॉडी के पार्ट पे, जिस एरिया पे वो कॉन्टेक्ट में आते हैं वहीं पे वो इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन कॉज करते हैं। एट्रोपिन कॉजेज द डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एंड गिव्स आई अ नेकेड आई अपेयरेंस एट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। और एट्रोपिन हमारे पास क्या करता है, डायलेटेशन करवाता है प्यूपिल की, और जो है वो हमारे पास नेकेड आई अपेयरेंस देता है आई को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के टाइम पे। नंबर 2 हमारे पास एक्शन है रिमोट एक्शन। इसमें हमारे पास पॉइजन किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करता है, तो पढ़ते हैं। दीज रिजल्ट्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन फ्रॉम कॉन्टेक्ट एरिया लोकल जीआईटी एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन पॉइजन एक्ट्स ऑन बॉडी डिफरेंटली। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में कॉन्टेक्ट एरिया से, या तो वो लोकली एब्जॉर्ब होता है या वो जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद ये बॉडी पे जो है वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है। दीज एक्शन आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। रिमोट एक्शन में हमारे पास ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं एक्शन दो टाइप्स में, नंबर ए स्पेसिफिक एक्शन, नंबर बी नॉन स्पेसिफिक एक्शंस। स्पेसिफिक एक्शन में हमारे पास क्या है, एक्शन ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन और सिस्टम एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम पे जो है वो पॉइजन अपना एक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1 पे हमारे पास दिया गया ओपीएम एक्टिंग ऑन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब अगर हम ओपीएम जो है वो किसी बंदे को देते हैं तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है कि वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है। नंबर 2 पे हमारे पास है स्टैचिनिन एक्टिंग ऑन स्पाइनल कॉर्ड, स्टैचिनिन जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पे जाके एक्ट करता है स्पेसिफिकली, और किसी ऑर्गन पे ये एक्ट नहीं करता। नंबर 3 हमारे पास है क्यूरेयर कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्व एंडिंग्स। क्यूरेयर पॉइजन अगर किसी को दे देते हैं तो वो क्या करता है, पैरालिसिस करवाता है मोटर नर्व एंडिंग्स की, मतलब ये एक ही जगह पे स्पेसिफिक जगह पे जाके एक्ट करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड एक्टिंग ऑन किडनी, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमारे पास किडनी पे जाके एक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ये सारे पॉइजन मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक सिस्टम पे जाके एक्ट करते हैं। अब नंबर बी पे हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक एक्शन पॉइजन के, तो इसमें क्या है, दीज एक्शन आर ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द सर्कुलेशन। नॉन स्पेसिफिक एक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो पॉइजन होता है उसकी नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन हो जाती है सर्कुलेशन में, उसकी वजह से ये एक्शन होते हैं। एग्जाम्पल कोरोसिव लाइक H2SO4 कॉजिंग शॉक, मतलब हमारे पास कोरोसिव होता है H2SO4, वो क्या करवाता है पूरी बॉडी में शॉक करवा देता है, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे ये एक्ट नहीं कर रहा, मतलब पूरी बॉडी पे ये एक्ट कर रहा है। नंबर 3 पे हमारे पास है कंबाइंड एक्शन, इसमें क्या होता है हमारे पास, इन दिस देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एंड रिमोट एक्शन ऑफ पॉइजन दैट इज द पॉइजन एक्ट्स बोथ डायरेक्टली एंड रिमोटली। इसमें क्या होता है, कंबाइंड एक्शन होता है, मतलब पॉइजन का रिमोट एक्शन भी होता है और लोकल एक्शन भी होता है, मतलब पॉइजन जो है वो डायरेक्टली भी एक्ट करता है और रिमोटली भी एक्ट करता है। एग्जाम्पल कार्बोलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, इसमें कार्बोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की एग्जाम्पल दी गई है, मतलब ये क्या करवाते हैं, नंबर 1 पॉइंट में ये बताया गया है लोकली दे कॉज टिश्यू डिस्ट्रक्शन एट साइट ऑफ कॉन्टेक्ट। लोकली क्या करवाते हैं, ये टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं एट द साइट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब जिस जगह पे इनका कॉन्टेक्ट हुआ था बॉडी से वहाँ पे ये टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है रिमोटली दे डैमेज किडनी एंड CNS, रिमोटली ये क्या करवाते हैं, किडनी और CNS को डैमेज करवाते हैं। तो ये हमारे पास लोकल एक्शन था और ये रिमोट एक्शन था कार्बोलिक और ऑक्सैलिक एसिड का। नंबर 4 पे हमारे पास है जनरल एक्शन,
इसमें क्या होता है, अ पॉइजन में अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी, एग्जांपल आर्सेनिक, मरकरी एंड डीडीटी एक्सेट्रा। मतलब एक ऐसा पॉइजन जो ऑलमोस्ट बॉडी के हर सिस्टम पे अफेक्ट करे, मतलब ये हमारे पास उस पॉइजन का जनरलाइज्ड एक्शन होता है। एग्जांपल आर्सेनिक है, मरकरी है, डीडीटी है, ये सारे बॉडी के सारे सिस्टम्स पे जाके एक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइजन के एक्शंस थे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।